हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं गौरव त्रिपाठी, प्रिपेयर आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल में एनसीईआरटी की सीरीज हम लर्न कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज सिक्स क्लास की एनसीईआरटी जो बुक है पृथ्वी हमारा आवास, उसके तीसरे चैप्टर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे एनसीईआरटी प्रोग्राम की विशेषता परीक्षाओं की मजबूत तैयारी की शुरुआत कर, परीक्षाएं और उनका पैटर्न बदल रहा है, प्रश्नों की जो प्रकृति है वो चेंज हो रही है और ऐसे में जब प्रश्नों की प्रकृति चेंज हो रही हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत होना चाहिए और ऐसे में एनसीईआरटी के लेक्चर्स आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होने वाला है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेसन 3, क्लास 6 एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास। पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है पृथ्वी की गतियां। पहला पॉइंट है जो वो है पृथ्वी की गतियां। देखिए, जब हम पृथ्वी की गतियों को पढ़ते हैं तो पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो प्रकार, कौन कौन सा प्रकार, एक फिगर के माध्यम से हम यहां समझते हैं कि ये है पृथ्वी और इस पृथ्वी का एक काल्पनिक अक्ष है। इस काल्पनिक अक्ष के सहारे पृथ्वी लट्टू की भांति पश्चिम से पूर्व दिशा में जो दैनिक गति करती है, उस दैनिक गति को हम क्या कहते हैं, इस दैनिक गति को हम पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की पहली गति क्या हो गई, पृथ्वी की पहली गति हो गई घूर्णन। ये घूर्णन गति लगभग 24 घंटों में पूरी होती है। ठीक है, 30 घंटे 56 मिनट, लेकिन हम 24 घंटे लिखेंगे। इस 24 घंटों में पृथ्वी की गति क्या है, पश्चिम से किस दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ क्या करती है, घूमती। और इस घूर्णन के कारण होता क्या है, इस घूर्णन के कारण दिन और रात की स्थिति बनती है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती तो क्या होता, नहीं होती तो क्या होता, एक भाग पर क्या होता, नहीं होती तो क्या होता, नहीं होती तो कुछ ऐसी स्थिति होती। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी। मध्य रेखा, कर्क रेखा, अगर नहीं होता तो क्या होता, तब ये पृथ्वी का आधा भाग जो सूर्य के सामने हो वो प्रदीप्त होता और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां पर अंधेरा होता। तो जो भाग सूर्य के सामने होता वहां पर तापमान अत्यधिक हो जाता और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता वहां तापमान अधिक न्यूनतम हो जाता या बहुत कम। तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, अधिकतम तापमान के कारण या अधिक तापक्रम के कारण। और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां कम तापमान। ठीक, तो इस कारण क्या होता, इस कारण जो सूर्य है वो एक भाग को ही गर्म करता दूसरे भाग को नहीं। दूसरी जो स्थिति है
वो है पृथ्वी का दूसरी गति परिक्रमण। एक यहां पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, और उस फिगर को हम समझते हैं। ये है पृथ्वी और उसका एक काल्पनिक अक्ष, जिसके बारे में हमने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। ये काल्पनिक अक्ष है, जिस काल्पनिक अक्ष के सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। इस काल्पनिक अक्ष पर कुछ रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा, 0 डिग्री विषुवत। इसके अलावा एक पृथ्वी पे एक बिंदु है जिसे बिंदु में, ये पूरी लाइन है जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का अक्षीय समतल। पृथ्वी का अक्षीय समतल। अब ये जो पृथ्वी का अक्षीय समतल है, इस अक्षीय समतल पर एक लंब, पृथ्वी के अक्षीय समतल के सहारे जो पृथ्वी का अक्ष है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और जो पृथ्वी के अक्षीय समतल पे पड़ने वाला लंब है ये अक्ष के बीच में कितना कोण बनाता है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी का कोण कहां किसके सहारे है, अक्षीय समतल पे पड़ने वाले लंब और पृथ्वी के काल्पनिक अक्ष के बीच का जो कोण है वो 23.5 डिग्री। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस अक्षीय समतल के और काल्पनिक अक्ष के, ये सभी काल्पनिक रेखाएं, ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर नहीं है, तो अक्षीय समतल और इस अक्ष के बीच में 66.5 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इस फिगर को ध्यान में रखिए। हम अब अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, परिक्रमण। पृथ्वी पे जो दूसरी गति है जिसे हम परिक्रमण कहते हैं, ये परिक्रमण गति कैसे होती है, आइए हम इसे समझते हैं। यहां पर एक फिगर हम बनाते हैं जिसे हम सूरज कहते हैं, जो क्या है, एक तारा है और पृथ्वी पर प्रकाश का एकमात्र स्रोत, जिसे हम क्या कहते हैं, सूर्य। अब जो हमारी पृथ्वी है वो क्या कार्य करती है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय जो परिक्रमण है ना, ये परिक्रमण कैसा है, ये परिक्रमण होता है दीर्घ वृत्तीय कक्षा। कैसे होता है, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में। अब ये दीर्घ वृत्तीय कक्षा क्या होती है, अभी हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये सूर्य है, अब हम एक पृथ्वी का भी चित्र बनाएं।
की स्थितियां हैं। इस पृथ्वी की स्थितियों पे हम जो इसकी मूल रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, बात समझ में आ गई। अब देखिए दीर्घवृत्तीय कक्षा का अर्थ होता है कि एक बार अधिकतम दूरी और एक बार न्यूनतम दूरी की स्थिति। ये जो मैं एंगल बना रहा हूं, ये एंगल इस पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमण की दिशाओं को निर्धारित करता है कि कैसे कैसे सूर्य पृथ्वी एक दूसरे के साथ है। अब देखिए इस कंडीशन में एक बार जब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, दूसरी कंडीशन में पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय भाग सूर्य के सामने होता है, फिर पृथ्वी का कर्क रेखीय भाग सामने होता है, फिर पृथ्वी का भूमध्य रेखीय भाग सामने। ये पृथ्वी की चार स्थितियां जो सूर्य के चारों तरफ की परिक्रमण की स्थिति में होती है। अब यहां पर कुछ दिवस और डेट भी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। जहां 24 घंटों में सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो परिक्रमण की कंडीशन में 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। ये 365 दिन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी 1/4 दिन। और जब इसीलिए से हम 365 दिन कहते हैं, जब यही 1/4 दिन हो, ये 4/4 वर्ष कितना होता है, एक पूरा दिन हो जाता है, जिसे हम फरवरी में जोड़ते हैं तब लीप फरवरी होती है, जिसमें कितने दिन होते हैं, जिसमें 366 होते हैं। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिन में लगा रही है, 365 से ही 1/4, ठीक है, 6 घंटे। अब हम आते हैं फिर अपने मूल पॉइंट पर। जब सूर्य मकर रेखा पर, ये दक्षिण में क्या है, मकर रेखा, देखिए हमने यहां बनाई, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो वो स्थिति होती है 22 दिसंबर। की जो यह स्थिति है, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा होता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं शीत अयनान या मकर अयनान। फिर पृथ्वी दिसंबर और इससे अधिक सूर्य की सीधी किरणें कभी भी कर्क और मकर रेखाओं से ऊपर नहीं जाती। मतलब अब सूर्य मकर रेखा पर सीधा है, अब और दक्षिण में इसकी जो सूर्य की किरणें वो सीधी नहीं जाएंगी। अब कब जाएंगी, अब वो नीचे की तरफ, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। तो दिसंबर का महीना, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और जब ये भूमध्य रेखा पर सीधे चमकने की स्थिति होती है, तो 21-22 मार्च की जो स्थिति होती है, जब सूरज भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं विषुव। ठीक, फिर अप्रैल, मई, जून, और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है,
यानी 21 जून की स्थिति। तो 21 जून की स्थिति जब आती है तो इसे हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। फिर से जब 23 सितंबर की स्थिति आती है तो यहां पे हम फिर कह देते हैं इस भाग को विषुव। विषुव का मतलब होता है जब सूर्य सीधा विषुवत रेखा पर चमक रहा हो। शीतयनांत का मतलब होता है जब सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा हो। ग्रीष्मयनांत का मतलब होता है जब सूर्य 21 जून को ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक। ये स्थिति पृथ्वी की दूसरी गति से संबंधित है। अब देखते हैं आपके कोर्स में क्या पॉइंट और है। ठीक है, हमने यहां पे बात की थी, एक और पॉइंट को समझे हम यहां पर। ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। ये है भूमध्य रेखा। एक तो अक्ष है और दूसरा जब सूर्य के सामने वाला भाग चमक रहा है और सूर्य के जो पीछे का भाग वो अदृश्य है, वहां पर अंधेरा है, तो वह रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशमान और अप्रकाशमान दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है, ऐसे वृत्त को क्या कहते हैं हम? प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, प्रदीप वृत्त क्या होता है? जो सूर्य और पृथ्वी के सीधे होने पर, यानी सामने हो, और पृथ्वी का जो भाग अदृश्य हो और जो भाग दृश्य हो, यानी जहां पर प्रकाश हो जहां पर अप्रकाश है, प्रकाश ना हो, उन दोनों को विभाजित करने वाला जो वृत्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं आपके। जब हम परिक्रमण गति की बात कर रहे हैं तब हमें इस चित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो ऋतुएं होती हैं यानी सीजन होते हैं, वो ऋतुएं किसका कारण होती है? वो सीजन कारक होती है किसका? वो सीजन कारक होती है, यानी जो ऋतुएं हैं वो क्यों बनती हैं? वो ऋतुएं बनती हैं सिर्फ पृथ्वी की परिक्रमण यानी सूर्य के चारों तरफ के घूमने की स्थिति के कारण ऐसी स्थिति होती है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहां से पता लगेगी कि जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, और जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? देखिए, जब 21 जून को सूरज कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। ठीक, और सबसे छोटी बात समझा गई। और जब सूर्य कहां पर होगा? जब सूर्य 22 दिसंबर की स्थिति में होगा तो क्या होगा? तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी
अब इन दोनों ही स्थितियों में जब 21 जून की स्थिति होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? जब 21 जून की स्थिति होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में दो स्थितियां होंगी। 21 जून की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी, ठीक है। फिर जब 22 दिसंबर की स्थिति होगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? जब ये स्थिति होगी तो उत्तरी गोलार्ध में दो स्थितियां होंगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे 22 दिसंबर है, सूरज कहां पे है? दक्षिणी गोलार्ध में है, तो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी, अर्थ ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूरज होगा तो उत्तरी गोलार्ध में जो रातें होंगी वे लंबी हो जाएंगी, और जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में जो रातें हैं वो लंबी हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर एक और हमें पॉइंट समझ लेना है कि जब सूरज इस 6 महीने के फेज में होता है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 6 महीने में सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसके उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो, यानी जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध पे या उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो। इसके विपरीत जब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की स्थिति में सूरज उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रातें। और जब सूरज 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिसे हम विषुव की स्थिति कहते हैं, जब सूरज भूमध्य रेखा पर होता है तो दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात की स्थिति बराबर। आपको ये पता है कि जब हम उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के आसपास ग्रीष्म काल का अनुभव करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? वहां पर शीतकाल होता है। लेकिन जब हम शीतकाल का अनुभव करते हैं 22 दिसंबर की स्थिति में तो हम तो शीतकाल का अनुभव करते हैं, और भारत सहित तमाम उत्तरी गोलार्ध के देशों में जो क्रिसमस त्योहार है वो कब मनाया जाता है? शीतकाल में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उस समय क्या होती है? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो ग्रीष्मकाल की स्थिति होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का त्योहार है वो गर्मियों में मनाया जाता। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता। ठीक, अब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के पहले की स्थिति क्या होती है? बसंत ऋतु की होती है, और ठीक उसी समय जो ऑस्ट्रेलिया में स्थिति होगी, यानी फरवरी का जो महीना है, फरवरी मार्च का जो महीना है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? वसंत ऋतु का है। और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे वसंत हो गया और यहां पे क्या हो गया? शरद। और जब यहां पे वसंत होगा तो यहां के आसपास क्या क्या स्थिति हो जाएगी? यहां वसंत ऋतु होगी, मतलब कब? दक्षिणी, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में। और यहां क्या हो गया?
तो ये जो स्थितियां हैं यानी वसंत ऋतु, देखिए यहाँ पे मार्च के आसपास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वसंत ऋतु हो जाएगी, ये मार्च के आसपास। गोलार्धों का थोड़ा सा एक बार फिर हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, देखिए मार्च की स्थिति है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो जो शरद काल की स्थिति आती है वो शरद काल की स्थिति कब आएगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर। शरद काल की स्थिति कब आएगी, यहां पे लिखते हैं हम शरद के, यहां पे उत्तरी गोला कब आएगा, ये कब आएगा, ये आएगा अक्टूबर नवंबर, और इसी समय जब अक्टूबर और नवंबर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु की होगी तो ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वहां पर वसंत जैसी स्थिति। और जब वसंत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी यानी मार्च का महीना होगा, उससे थोड़ा पहले का महीना होगा, तो जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहां पे क्या होगा, यहां पे तो अब गर्मी आ रही है और वहां पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु। मतलब स्थितियां एकदम विपरीत होंगी, ठीक है। ये तीसरा पार्ट खत्म होता है, तीसरा अध्याय खत्म होता है जो पृथ्वी की गतियों पर आधारित है। दूसरे अध्याय में फिर एक बार आपको पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी टॉपिक्स के साथ फिर वीडियो लेक्चर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।